और इस बीच महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा पहुंचे कांग्रेस वॉर रूम, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं रंधावा। वरिष्ठ नेता के राजू बिना काग पहुंचे पीसीसी वॉर रूम, और आपको जानकारी दें कि दोपहर बाद चंडीगढ़ जाएंगे रंधावा। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये समझाएंगे सहयोगी जिस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें कि पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं रंधावा। तो कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं सुखजिंदर रंधावा, और दोपहर बाद चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा। तो इलेक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, बैठकों का दौर चल रहा है, और अब जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं रंधावा, और वॉर रूम में मौजूद हैं तमाम नेता कार्यकर्ताओं से रंधावा मुलाकात कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी शशि मोहन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे इस मुलाकात के मायने और कितनी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। शशि मोहन, मनीष शर्मा, पिछले तकरीबन एक सप्ताह से पीसीसी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए, सवाई माधोपुर गए, और आज रंधावा का चंडीगढ़ वापसी का कार्यक्रम है। उससे पहले पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग नेताओं ने समय मांग रखा था। इसके साथ में रंधावा ने कुछ ऑब्जर्वर्स से भी बातचीत की है, उनको निर्देश दिए हैं। दरअसल पार्टी ने ऑब्जर्वर्स लगाए हैं किस सीट पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं, दावेदार जो है उनकी जमीनी हकीकत क्या है, जो दावेदारी में अभी तक मुखर होकर के आगे नहीं आए उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीजों का आकलन करने के लिए रंधावा दरअसल चंडीगढ़ जाएंगे। तो वहां भी इसी कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे क्योंकि अब चुनावी साल है। ऐसे में प्रभारी से चंडीगढ़ में भी अलग अलग ऑब्जर्वर्स मुलाकात करेंगे। उससे पहले आज बिना काग और के राजू ने रंधावा से मुलाकात की है, अपने अपने समीकरण बताए हैं। पिछले दिनों रंजू रामावत ने भी सुखजिंदर से रंधावा से मुलाकात की थी। सुमेरपुर सीट है जहां से बिना काग चुनाव लड़ती रही है, हालांकि पिछली बार रंजू रामावत को सुमेरपुर से टिकट दिया गया था। बिना काग अब एक बार फिर से सक्रियता दिखा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी के लिए।